अगर इंसान से एक ही गुनाह बार बार होता हो और वो हर बार तोबा करता हो लेकिन फिर भी उस गुनाह को कर लेता हो तो बार बार तोबा करने से माफ़ी हो जाएगी ये बहुत अहम सवाल है देखिए बार बार गुनाह होना ये ख़तरनाक चीज़ है लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि जब आपने तोबा की थी वो तोबा कैसी थी तोबा की शराइत में से एक शर्त यह है शर्त का मतलब यह होता है कि अगर शर्त नहीं होगी तो वह हुक्म भी नहीं होगा तोबा की शरायत में से एक शर्त यह है।, मतलब है कि इंसान यह आज़म करे कि आइंदा वो गुनाह नहीं करेगा अगर उसने पूरे आजम के साथ तोबा की थी फिर उससे दोबारा गुनाह हो गया उस वक्त उसका पक्का इरादा तो नहीं करूंगा दोबारा हो गया तो वो दोबारा इस्तेवाल करे और पक्की इस्तेगबार करे और कभी इसको ना छोड़े तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाले अब यहाँ पे उसका और शैतान का एक मुकाबला और जंग हो रही है शैतान कोशिश यह करेगा कि आप गुनाह के बाद इससे अखवार ना करें आपका नफ्स भी ये कहेगा कि आप तो हर दफा तोबा तोड़ दे तो छोड़ो ना करो तोबा जब आपने ये सोच दिया या ये, ये कर लिया तो आपका आपका नफ्स और शैतान दोनों जीत गए आप हार गए बस आपने इस पर फोकस रखना है कि तोबा पक्की और सच्ची करनी है तोबा की पांच शराय है पहली शर्त यह है कि जिस काम से जिस मुना से तोबा की जा रही है उसको छोड़ दिया जाए और छोड़ने का मतलब ये कि उसकी तरफ जाने वाले हर रास्ते को भी छोड़ा जाए नंबर दो उस पर नदामत शर्मिंदगी की जाए अल्लाह के सामने भी और जिसका गुनाह है उसके सामने भी जिससे जिसका आपने गुनाह किया म किया उसके सामने भी तीसरे नंबर पर आइंदा ना करने का पुख्ताज हो चौथे नंबर पर अगर उस गुनाह का ताल्लुक लोगों के साथ है तो उनसे अपना मामला क्लियर करवाया जाए उनसे अपना मामला हल करवाया जाए उनसे माफी मांगी जाए माफी ली जाए बेशक उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े शरी हदूद में रहते हुए माफ नहीं कर रहा बार बार माफ़ी मांगें आप वो कहता है कि आप पर ये जुर्माना है आपकी माफी के बदले में आप उसको कबूल करें चार शर्तियों की पांचवी शर्त यह है कि मौत की हिचकी से पहले पहले तोबा करें जिसको मौत की हिचकी आ गई उसकी तोबा कबूल नहीं होगी वक्त खत्म हो जाएगा और दूसरा वक्त खत्म होगा जब सूरज मगरब से कदू होगा तो इस तरह से जो बंदा तोबा करेगा उसकी तोबा कबूल होगी बेशक उससे बाद में भी गुनाह हो बाद में फिर वो ऐसी पुख्ता तौबा करें अल्लाह शाह कबूल करने वाले ये जो मैंने आपको पांच शराब बताई है उनमें हुकूक हुकूकली बात की शर्त यह है कि बंदों के मामला बंदे बंदों के पास जाकर हल करेंगे ये तौबा का तरीका ही है हम जब ये कहते हैं ना कि अल्लाह मैं अपने गुनाहों का अतराफ़ करता हूँ करती हूँ और मैं इस्तिगफार चाहता हूँ चाहती हूँ तो उस इस्तिगफार में ये शामिल है कि आप बंदों के मुतल है तो बंदों से जाके माफ़ी मांगें उनसे अपने मामले करें किसी का हक़ खाया है गसब किया है चोरी की डाका किया वरासत का माल खाया है हड़प किया है कोई भी हक खाया वापस दो वरना नहीं तो होगा कबूल हो हाँ अगर वो बंदा दुनिया से ही चला गया तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल को देखेंगे आपके अमल को और उसको के वाकई अगर आपने खालिज तोबा कर रखी है तो अल्लाह ताला कोई अपनी तरफ से उसको भी खुश कर देंगे और आपकी तौबा भी कबूल कर लेंगे लेकिन अगर वो बंदा जिंदा है तो फिर नहीं फिर उससे माफ़ी मांगना जरूरी होगा